हाय एवरीवन, काफ़ी स्टूडेंट ये कंप्लेन कर रहे हैं कि सर हमारे आर ए वाली प्रॉब्लम अभी तक भी रिजॉल्व नहीं हुई। बीए प्रोग्राम को छोड़कर काफ़ी कोर्सेज़ का जो रिज़ल्ट है आई थिंक 3 अगस्त को आ गया था और बीए प्रोग्राम का रिज़ल्ट 14 अगस्त को आया है। तो अगर आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस शीट सबमिट कर दी है, तो पहले अटेंडेंस शीट का क्विक मैं आपको बता दूँ, उसके बाद मैं इसकी बात करता हूँ, चाहे सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हो या 6 के। देखो जी, जिसका भी आर ए या एबसेंट लगा हुआ है रिजल्ट में पेपर देने के बाद भी, आप अपने एग्ज़ाम सेंटर जाइए, वहाँ से अटेंडेंस शीट लेकर आइए, उसके साथ एडमिट कार्ड, मार्कशीट और एक प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखिए एसओएल को कि मेरा एब्सेंट आया हुआ है, मैंने एग्ज़ाम दिए थे, प्लीज़ इसको ठीक कर दो। इन सारे डॉक्यूमेंट को एसओएल कैंपस से अटेस्ट करवाइए और गेट नंबर 1 यूनिवर्सिटी में सबमिट कर दीजिए। वहाँ पर वो एक क्यूआर कोड भी देंगे, उसको स्कैन करके वो फॉर्म भी आपको भरना पड़ेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, वो आप जाकर देख सकते हो। तो इतना काम आपने कर दिया था। काफ़ी बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर मैंने तो बिना मेरे दोस्त का या मेरा तो बिना अटेंडेंस शीट करे अपडेट हो गया, क्या मेरा भी हो जाएगा, क्या मुझे करना चाहिए? भाई ये काम कर लो, आगे अगर अपडेट नहीं हुआ इसको करे बिना, फिर ये पछताना मत आगे कि यार काश करते था तो अपडेट हो जाता। ये काम आप कर लो, वेट मत करो किसी चीज़ का। अब बात आती है अपडेशन की। बीए प्रोग्राम का रिज़ल्ट तो हाल फिलहाल में आया है 14 अगस्त को, और बाकी कोर्सेज का रिज़ल्ट पहले आ गया था। तो काफ़ी स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि सर मैंने 7 अगस्त को सबमिट करा था, मैंने 9 अगस्त को करा था, अभी तक ठीक नहीं हुआ, मैं क्या करूँ? देखो जी, सिंपल सी बात है, जहाँ तक पास का हमारा एक्सपीरियंस है, इस चीज़ को अपडेट होने में 1 महीने से ज़्यादा भी लग जाता है। तो अभी 1 महीने तो हुआ नहीं है, अभी तो अराउंड 20 दिन ही हुए हैं, तो अभी आपको और इंतज़ार करना है, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। अब अगर आपको मार्कशीट कहीं पर सबमिट करनी है, लास्ट डेट आ रही है, तो आप एसओएल का कैंपस का या एग्जामिनेशन ब्रांच का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं कि सर मैंने सबमिट करे थे ये अटेंडेंस शीट, 15 दिन होगा, अब तक ठीक नहीं हुआ। इतना आप कर सकते हो अपने लेवल पर, और कुछ नहीं कर सकते। एक गूगल फॉर्म में आपको याद होगा एक ईमेल आईडी थी, अगर आपको याद नहीं है, भरा हुआ गूगल फॉर्म ज़रूर याद होगा, एक उसमें ईमेल आईडी थी, उस ईमेल आईडी पर ईमेल ज़रूर डाल सकते हो अपनी डिटेल के साथ कि सर मैंने अटेंडेंस शीट सबमिट करी हुई है, गूगल फॉर्म भी भरा हुआ है, मेरा रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ। हो सकता है ईमेल का कुछ रिस्पॉन्ड आ जाए। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, मुझे शीट सबमिट करनी है कहीं पर, मैं जल्द से जल्द इसको अपडेट करवाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ एक बार फिर से कैंपस में विज़िट कर लीजिए। बीए प्रोग्राम का रिज़ल्ट चूँकि 14 अगस्त को आया था, फिर 15 अगस्त आ गई, उसके बाद अभी हफ्ता भर ही हुआ है। आई डोंट नो कि आपने हफ्ते भर में अटेंडेंस शीट सबमिट करी है अभी तक या नहीं करी। अगर कर दिए तो यार इतना जल्दी अपडेट नहीं होगा, थोड़ा सा वेट कर लो। और हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट का बिना अटेंडेंस शीट सबमिट करे रिज़ल्ट अपडेट हुए हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेशन नहीं दूंगा कि आप वेट कर लो। मैं तो इतना ही बोलूँगा, भाई जो यूनिवर्सिटी बता रही है अटेंडेंस शीट का प्रोसीजर, उसको कम्प्लीट कर लो। अगर आपकी मर्ज़ी, आप वेट करना चाहते हो, उसको प्रोसेस नहीं करना चाहते, आपको लगता है बिना उसको सबमिट करे आपका भी अपडेट हो जाएगा, तो इसमें यार मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैंने एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। एक XYZ कॉलेज है यूनिवर्सिटी का, उस कॉलेज के बहुत से बच्चे ऐसे थे, मतलब मैक्सिमम सारे ही बच्चे ऐसे थे जिनका RA लगा हुआ था BCOM के रिजल्ट में, सबका RA लगा हुआ था उस कॉलेज के अटेंडेंस शीट में। उस कॉलेज की अटेंडेंस शीट मेरे पास आई, मैंने एग्जामिनेशन रोल नंबर से उसके बाकी सारी चीज़ों से रिजल्ट निकाले, सबका RA लगा हुआ है जनाब, सभी का RA लगा हुआ है। और फिर देखा कि वो जो रिज़ल्ट है अपने आप अपडेट होते गए कुछ दिनों के बाद। तो ये एक सोचने समझने वाली बात है कि एक पर्टिकुलर कॉलेज के सारे बच्चों का RA कैसे लग सकता है, या तो कोई शीट या शीट डिस्प्लेस हो गई या कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हुई। पर खैर, जो चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने रखी, आप लोगों को थोड़ा सा और इंतज़ार करने की ज़रूरत है, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। कैंपस जा सकते हो, बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम, आप जाइए वहाँ पर, एक बार उनसे फिर से रिक्वेस्ट कीजिए, लेकिन यही बात है, वेट कर लीजिए थोड़ा सा, और ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।